114 करोड़ से निर्मित विस्तृत दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र की सबको बधाई दी और पूर्वांचल वासियों को ज्ञान डेयरी के उद्घाटन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से 1,00,000 परिवारों को इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा, वहीं 300 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और 1,500 लोग व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञान डेयरी ने यह अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट के रूप में गोरखपुर में लगाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। ज्ञान डेयरी के इस अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिला प्रशासन और गीडा प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई और इस अवसर पर एक नया उपहार पूर्वांचल वासियों को ज्ञान डेयरी के सीपी मिल्क एंड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में यहां प्राप्त हो रहा है। इसके लिए ज्ञान डेयरी परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया गया कि लगभग 5,00,000 लीटर दूध की आवश्यकता इस डेयरी में पड़ेगी। 5,00,000 लीटर दूध का मतलब 1,00,000 परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डेयरी में प्रत्यक्ष रूप से 300 लोगों को नौकरी मिलेगी और 1,500 अन्य लोग होंगे जो व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट इतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगी। भारत जैसे कृषि प्रधान व्यवस्था के साथ हमारे अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगी। डेयरी सेक्टर उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ज्ञान डेयरी ने अपना ये अत्याधुनिक प्लांट सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में गोरखपुर में यह प्लांट लगाया है और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दही, घी, बटर या अन्य जो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये सभी यहां से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए मैं ज्ञान डेयरी परिवार को, सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा गीता में एक बौछार सी आई है निवेश की। पहले गैलेंट का, फिर अंकुर टीएमएक्स का, फिर वरुण वेबरेज का, पेप्सिको का जो प्लांट लग रहा है, फिर केयान इंडस्ट्रीज का, फिर तत्वा प्लास्टिक का, ये लगातार ये निवेश नया हुआ है। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहां फसल नाम मात्र की उपाधि थी, आज वहां पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। यह उद्योग उसका एक प्रतीक के रूप में हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के हालात नहीं थे, लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके उनको विकास के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। निवेशक निवेश कर रहा है, यूथ को ट्रेनिंग के साथ जोड़ रहा है, कौशल विकास के साथ जोड़ रहा है, तो समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ इस प्रकार के निवेश का स्वागत करें। ज्ञान डेयरी को इस नए प्रोजेक्ट के लिए हृदय से बधाई। सहजनवा और गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी
नागरिकों को इस डेयरी के प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं और विजयदशमी की भी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम।